डैडी, और कितनी देर लगेगी? बस कुछ घंटे और बेटा, फिर हम पहुंच जाएंगे। मैं बहुत बोर हो गई हूँ। उम्मीद है कि हम जल्दी वहां पहुंच जाएंगे। अब सुनो, हम अभी भी अटलांटिक महासागर के उस पार हैं, तो तुम आसानी से हिसाब लगा सकती हो हमारे उतरने में कितना समय लगेगा। एक नज़र देख लो, खिड़की से बाहर देखो और देखो कि तुम बादलों में कौन कौन से जानवर देख सकती हो, या ऐसा ही कुछ। हाँ, हमारे गुनाहों को माफ करना। हमें इस दिन की हमारी रोजी रोटी देना और हमारे गुनाहों को माफ करना। शांत हो जाओ सिस्टर, तुम चिंता न करो, हम ईश्वर की शरण में हैं। ओह फादर, मैं हवाई यात्रा में नर्वस हो जाती हूँ। आस्था रखो सिस्टर, मुझे लगता है कि तुमने वो कहानी सुनी होगी जब मैं पृष्ठ बना। कैसे पृष्ठ बना? ओह हाँ फादर, एक चमत्कारिक बदलाव था। मैंने सुना है कि आप एक भयानक एले गैंग के सदस्य थे। आपने शैतान को अपनी आत्मा में आने दिया था। इससे भी बढ़कर सिस्टर, शैतान ने अपनी कार मेरी आत्मा के घर के ठीक बाहर खड़ी कर दी थी। उसने सारे ताले तोड़ दिए, अपने घिनौने अस्तित्व के साथ बैठ गया था। वो मेरा शौचालय इस्तेमाल कर रहा था और मेरे सोफे पर लाते मार रहा था। वो अपने लिए पिज्जा ऑर्डर कर रहा था, अच्छा समय बिताने के इरादे से। शैतान पिज्जा खाता है, ऐसा बोलते हैं। और मैं वहां था, जेल की अपनी काल कोठरी में बंद पुलिकन बे, शैतान की मुट्ठी में, और यीशु एक पवित्र रोशनी में मेरे पास आए और मुझे उनका योद्धा बनने के लिए कहा, और मैं यीशु के लिए लड़ रहा हूँ। आमीन फादर, आमीन आमीन। और हम विजेता टीम है, हम शैतान के पिछवाड़े पर हंटर मारने वाले हैं। फादर अपने शब्दों पर ध्यान दें। मुझे इन शब्दों के लिए खेद, परंतु हम न्याय के लिए उनके पिछवाड़े पर हंटर मारेंगे। क्या कोई मेरा खाली ग्लास भरेगा? बड़ा बिंग बड़ा बिंग, क्या बारटेंडर ने बार बंद कर दिया है? जी सर। जीसस। और मैं उस प्यारी औरत की उम्मीद कर रहा था जिसने मुझे रात को खाना दिया था। तुम जानते हो वो अनुभवी थी, ठीक वैसे जैसे मुझे पसंद है, एयर होस्टेस का यूनिफॉर्म। सर हम सबके पास यूनिफॉर्म है। हाँ, लेकिन उसका बिल्कुल सही और फिट है, ठीक वैसा जैसे मुझे पसंद है, तुम समझे मेरा मतलब। लगता है नहीं समझा।
मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ सर? ठीक है, क्या तुम किसी तरह मेरा खाली ग्लास भर सकती हो इससे पहले कि मेरा नशा उड़नचे हो जाए क्रिसमस ट्री की तलाश में? ठीक है, एक और फिर हमें नींद लेने के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, कुछ कंबल और तकिए और। मैं ये सब पहले सुन चुकी हूँ सर। क्या हम ऐसा कर सकते अगर हमें? मैंने ये सब पहले भी सुना है। अब आप अपनी ड्रिंक ले और एक अच्छे आदमी की तरह चुपचाप बैठकर यात्रा करें, या फिर मुझे आपके पिछवाड़े पर लात मार के फेंकना पड़ेगा शरारती लड़कों के साथ खेलने के लिए। और आज बाहर का तापमान -30, ठीक है? वो मुझे पसंद करती है। रडार पर कुछ तो गड़बड़ है। डैडी, मैंने बादलों के बीच एक शार्क को देखा। वाह, एकदम बढ़िया। नहीं, वो एक असली शार्क है वहाँ। ये कैसे संभव है बेटा? एक शार्क कैसे उड़ सकती है? वो एक समुद्री जानवर है। जरा रुको, देखो वहां कुछ नया दिख रहा है। घुस बैठिए। नहीं 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 शिट। रोशनी में देखो शैतान की औलाद।
महत्वपूर्ण संदेश के लिए अपने कार्यक्रम को रोक रहे हैं। अभी अभी खबर आई है कि वैंकूवर से फ्रैंकफर्ट जाने वाली फ्लाइट NHL 234 आइसलैंड के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। फिलहाल हमारे पास और कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हवाई यातायात कंट्रोलर का कहना है कि एक आतंकवादी हमले की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रिबेका मैनहट्टन में AT&T हाउस से ये मैं हूँ जेसन कॉन्राड, लाइव रात के समाचार में आपकी आवाज। ये देखा, विमान में रिकॉर्ड किया गया वीडियो यात्री सीट नंबर 270 से। हाँ जी, बहुत बुरा है। कई संभावनाएं हो सकती हैं, पायलट की गलती, आतंकवादी, लेकिन इसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी तो नागरिक उड़ान प्राधिकरण की है, हमारे विभाग की नहीं। केस नंबर 234 के लिए रिकॉर्डिंग, वर्तमान कप्तान ब्रेंट टॉयलर और डॉक्टर रेशल मिलनर। हमने 36 घंटे पहले लीड ली थी। पिछली जांच के अनुसार विमान दुर्घटना ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच हुई थी। उड़ान NHL 234 वैंकूवर से फ्रैंकफर्ट तक के लिए अपने रास्ते में थी। उसे आइसलैंड में ठहरना था। दस्तावेज, ये क्या है, देखो इसे। दस्तावेजों से पता चला कि 157 यात्री और 7 कर्मचारी सवार थे। 7:02 पर उड़ान NHL 234 रडार से गायब हो गई। आइसलैंड के अधिकारियों की तत्कालिक आरंभिक खोज का कोई रिजल्ट नहीं निकला। अब तक 8 लाशें मिल चुकी हैं। हमें कुछ और जानकारी मिलने पर मैं वापस रिपोर्ट करूंगा। आपको लगता है हम दोनों का मामला जुड़ा हुआ है? अब मुझे पता है। आपने उसे आर्कटिक भेजा है? वो झेल नहीं पाएगी, उसे ठंड से नफरत है। उम्मीद करते हैं वो वहां पे समय पर पहुंच जाए। यहां से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर हमारी शोध टीम पहले से ही साइट पर है। फिलहाल वे उस वस्तु को स्कैन कर रहे हैं। हम ग्लेशियर के पीछे हटने का इंतजार कर रहे थे। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव ने बर्फ पिघलने की प्रक्रिया को बहुत तेज कर दिया है। मैं भी कामना करती हूँ कि ये गर्म हो जाए। उसका आकार तो देखो। ये जहाज किसी प्रकार की युद्ध पोत जैसा दिखता है। मैंने ऐसा डिजाइन कभी नहीं देखा। नहीं, मैंने रिक्टर को फोन किया। हमने एक एडवांस पार्टी इसे जांचने के लिए भेजी।
तुम नहीं जानते कि वहाँ अंदर कैसा नरक है। ये हमारी बेहतरीन टीम है, बेहद प्रेरित। उनका समर्पण दोष रहित है, मुझे लगता है कि वे इसे संभाल सकते हैं। तुम हेलमेट कैमरे के अधिक चित्र देख सकती हो, ये एक लाइव फीड है। वो मैनाट का कैमरा है। लानत है, हमें यहां से निकलना होगा। मदद बुलाओ, मदद बुलाओ। रिक्टर, रिक्टर, हमें मदद चाहिए, अभी मदद भेजो। हाँ, उन्होंने वैज्ञानिकों में से एक को पकड़ लिया है। उसका ये कैमरा सिग्नल हम देख रहे थे। नहीं, बहुत देर हो चुकी है, तुम उसे बचा नहीं सकती। वहां से बाहर निकलो। शायद वो जिंदा है।
हाँ, आखिरकार मेरा अतीत मुझे जकड़ रहा है, लेकिन अब तुम्हें वहां से निकलना होगा। जल्दी मैं कोशिश करूंगी। वो मेरी बात कभी सुनती क्यों नहीं है? क्या हो रहा है डैडी? ये उससे भी बदतर है जिसका मुझे डर था। देश ऐसा नहीं है जो संयुक्त राज्य अमेरिका से अधिक शक्तिशाली और महान हो। हम समृद्धि और शांति लाए। विक्टर टेक्नोलॉजी कमजोरों से हाथ मिलाता है। हम उनकी रक्षा करते हैं जो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकती। एक आबादी जहां कोई भूखा नहीं, एक ग्रह जहां किसी का डर नहीं। इस ज्ञान के साथ विक्टर टेक्नोलॉजी भविष्य को साकार करती है, क्योंकि हमारा अपने बच्चों के प्रति फर्ज है। अत्याधुनिक विज्ञान के साथ नैतिक जिम्मेदारी और मानवीय मूल्य। रिक्टर टेक्नोलॉजी आने वाले कल की चुनौतियों का मुकाबला करती है, ताकि आपकी दुनिया एक बेहतर दुनिया बने। हम हैं रिक्टर टेक्नोलॉजी और हमारा भविष्य है आज। चिकित्सा विभाग। हाय दीदी। ओ हाय। ये फिर कभी मत करना प्लीज। इस बार मैं सच में बहुत चिंतित थी। डैड, मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। क्या आप हमें बताना भूल गए थे कि शायद हम कुछ जानते हैं? कोई बहाना मत बनाइए। चलो भी, शैतान को आराम करना चाहिए। मैं यहाँ कैसे पहुँची? हमारी रेस्क्यू टीम ने तुम्हारी जान बचाई।
115 वर्ष इंजेक्शन यूनिट 4 ml वर्तमान में लिया गया 5 मई 2017 के विश्लेषण पर आधारित मौजूदा डीएनए की संरचना अनुक्रम अब फेज 6 के साथ मैच हो रहा है। प्लीज यहाँ बैठो। शुक्रिया। ताकाहाशी सुशी, माँ का मनपसंद खाना। पूर्व के गांव से। चलो किसी और विषय में बात करते हैं। हाँ चलिए आपके अतीत के बारे में बात करते हैं डैडी। बस इतना ही, थैंक यू। प्रोजेक्ट हिमल फास प्रतिभावन नाजी वैज्ञानिक के दिमाग की उपज था डॉक्टर हैंस कैमलर, अनुवांशिक परिवर्तन सर्जरी में प्रथम। 1944 तक नाजी बेताब थे प्रभावी सुपर हथियारों को लेकर, और कैमलर ने सोचा कि हुक्म का इक्का उसके पास है। क्या शुरू करें मार्था? हाँ मेजर जनरल, अभी। अत्यधिक सम्मानित एसएस लीडर हेनरिक हिमलर, मैं एक पार्टी के सदस्य के रूप में निम्नलिखित ईमानदार बयान प्रोजेक्ट S3 के विशेष निर्माण प्रस्तुत करता हूँ। मैं चाहता हूं कि मेरे सैनिक आगे बढ़ें। मुझे यह जगह चाहिए जहां तक संभव हो। जल्दी से जल्दी जगह को कब्जा किया जाए। हमारे इंजीनियरों ने पहले ही शुरू कर दिया है। उनका पहला सफल एंटी ग्रेविटी टेस्ट। एंटी ग्रेविटेशन टेस्ट? कैसे टेस्ट? टेस्ट। हमें फिर से शुरू करना होगा क्योंकि हम गुप्त परियोजना ब्लॉक को भूल गए हैं। डॉक्टर कैम्पलर, आपसे कोई मिलने आया है। उसे थोड़ा इंतजार करना होगा जब तक हमारा आवेदन पूरा नहीं हो जाता। ओके। मिस्टर मार्शल, आप थोड़ा धैर्य रखिए, डॉक्टर कैम्पलर जल्दी आपसे मिलेंगे। यह आपत्तिजनक है।
हरमन। मेरे प्यारे कैबलर, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। गुड इवनिंग डियर हरमन, ब्रांडी एक डबल। अब सुनो डियर कैबलर, मेरे पूरे उड़ान विभाग का सफाया कर दिया गया है इन ब्रिटिश ढोंगी पायलटों द्वारा एक कायरतापूर्ण और शर्मनाक हमले में। अब मैं यहां एक बेवकूफ की तरह खड़ा हूं, नहीं जानता कि आगे क्या होगा। मुझे बताओ कि तुम्हारे पास मेरी समस्याओं का समाधान है। अंतिम जीत के लिए मेरी शोध टीम एक लंबे समय से काम कर रही है एक गतिशील विमान कार्यक्रम पर, K7B नामक अनुवांशिक रूप से तैयार किए गए सीरम के साथ। मुझे यह पता है और मैं इसे लंबे समय से जानता हूं। यह K7B क्या कर सकता है? K7B हरमन, हरमन बाउल। बकवास बकवास, सोचो डियर हरमन। यह प्रोजेक्ट जो कि अब मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं, युद्ध का रुख मोड़ सकता है। यह जर्मन साम्राज्य को आकाश में फिर से अधिकार जमाने में सक्षम करेगा। वो एक साहसी बयान था कैम्बलर, मैं सुन रहा हूं, मुझे प्रभावित करो। मैं प्रस्तुत करता हूं प्रोजेक्ट हिमल्स फास्ट। ये एक अपील है जर्मन लोगों के लिए। सभी को अपने काम को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। हर देशवासी हमारे प्यारे साम्राज्य की गंभीर स्थिति को जानता है। हमारी पितृभूमि की खातिर लाखों वफादार साथी बहादुरों की मौत मारे गए हैं। दुश्मन के खिलाफ आवश्यक लड़ाई में हम अब तक दुश्मन की बेहतर ताकत का मुकाबला करने में सक्षम रहे हैं, केवल साहस सम्मान और दृढ़ संकल्प से। लेकिन उम्मीद है डॉक्टर हैस कैम्बलर की प्रतिभा और जर्मन इंजीनियरिंग के लिए धन्यवाद। प्रतिशोधी हथियार K7B विकसित करना संभव हो गया है। डॉक्टर क्लॉज रिक्टर के नेतृत्व में वो हथियार अब तैयार है। दुश्मन को रोकने के लिए पुरुषों में सीरम का पुनर्जन्म जैसा प्रभाव होता है और ये टिश्यू बनाता है और बनाता है हमारे बहादुर सैनिकों को अविनाशी। शोध अभी तक पूरा नहीं हुआ, मगर ये इशारा करता है कि K7B एक स्वस्थ व्यक्ति के जीवन को लंबा खींच सकता है। इस तरह जर्मन साम्राज्य हमेशा के लिए शासन में हो सकता है। महिलाओं में यह हथियार कोशिका संरचना को प्रभावित करता है और ज़ॉम्बीफिकेशन का कारण बनता है। बाहरी परिवर्तन और आक्रामक व्यवहार अप्रिय लग सकता है। डॉक्टर कैम्बलर सकारात्मक प्रभाव देखते हैं। महिलाएं मजबूत बन जाती हैं, अधिक क्रियाशील और निर्णय लेने में अधिक सक्षम हो जाती हैं। यह हमारे देश की महिलाओं को सेना में सबसे आगे की रैंक भरने के काबिल बनाता है। हमारी प्रयोगशालाओं में निर्मित K7B आखिरकार परीक्षण चरण से गुजर चुका है और अब तैयार है अपना विजयी मार्च शुरू करने के लिए। पूर्वी युद्ध क्षेत्रों के पार अफ्रीका के सूखे रेगिस्तान और सभी विद्रोही राष्ट्रों में हम जल्द ही जीत का झंडा लहराएंगे। अंत में K7B भाग्य के चक्र को हमारे पक्ष में मोड़ देगा। सामरिक हवाई संचालन के माध्यम से गैस फैलाने के लिए हमारे मरे हुए सैनिक बन जाएंगे लाखों जिंदा सुपर सैनिक। फिनिक्स पक्षी की तरह राख से वे युद्ध के मैदानों से उठेंगे जो कभी वे गिरे थे। पुनर्जन्म लेंगे हमारी जर्मन मातृभूमि की सेवा करने के लिए। K7B के माध्यम से हमारे राष्ट्र के मरे हुए नायक बन जाते हैं एक नए युग के रक्षक। देशभक्ति के नारों से शराबोर वे अंतिम जीत की गारंटी देते हैं। अविनाशी और अथक फौज के बाद
फौज बढ़ेगी। कतार में मार्च करने के लिए हथियारों के कारखानों की तरफ, उनमें से प्रत्येक आदमी होगा उनके अपने विमान पर राइट एयर शार्क। इंजीनियरिंग के ये चमत्कार सुपर सैनिकों के साथ मिलकर बनेंगे प्रतिशोध का अंतिम हथियार। जेट इंजन, मशीन गनों से लैस और शार्क की वैमानिक अवधारणा। वे आसमान की ओर बढ़ेंगे और बढ़ते ही चले जाएंगे। उनकी अटूट इच्छा शक्ति से जीत के लिए एकजुट, ये समय की पुकार है। उठो सिपाहियों, हमला करो और आजाद हो जाओ। उठो, हमला करो और आजाद हो जाओ। विजय। इसे हिटलर की सेवा में प्रस्तुत करने के लिए तैयार करो। मैं आश्वासन देता हूं वो खुश होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कैमलर, मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। शायद हम कभी साथ में शिकार करें। मैंने अभी अभी ब्रॉन्सिंग में एक छोटा सा शिकार का ठिकाना बनाया है। अगर मेरा शोध इसकी अनुमति देता है तो मैं इस पर विचार करूंगा। हेल हिटलर। हेल हिटलर। हिमलफास केंद्रीय सुविधा था। ये एसएस पैराशूट बटालियन 500 का हिस्सा था। इस प्रकार इसकी निगरानी सीधे खुद गोरिंग द्वारा की जाती थी। यही मामले की जड़ थी। स्टालिनग्राड की विफलता के बाद और अगले महीने गोरिंग ने महसूस किया कि उनका 1000 साल का जर्मन साम्राज्य 10 साल का भी नहीं बचेगा। लेकिन उसने कैमलर के विचार में क्षमता देखी और हमें सब कुछ मिला जो हम चाहते थे, और हमने मौके का फायदा उठाया। हॉटन बंधुओं ने इंजनों का निर्माण किया, हैंकल ने स्टीयरिंग कॉलम निर्माण का ध्यान रखा और डॉक्टर और मैंने K7B को सिंथेसाइज किया। आप कैसे कर सकते हैं? आप भगवान बन बैठे हैं। नहीं, मैंने भगवान की भूमिका नहीं निभाई। हम खुद देवता थे। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये पोजीशन कैसे मिली? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम पिछले 20 साल से किसके लिए काम कर रहे हो? मैं संक्षेप में बताती हूँ। एक बार जब ये शिकारी हवा में होंगे तब कुछ भी और कोई भी सुरक्षित नहीं होगा, और वे अदृश्य भी हो सकते हैं। ये एक आफत है। तो वो वही था जो हिमल्स फास्ट में पानी की टंकियों में है, अनुवांशिक रूप से परिवर्तित उड़ने वाली नाजी शार्क। स्काई शार्क अनुवांशिक रूप से हेरफेर किए गए जानवरों की तुलना में बहुत बढ़कर है। वे अचूक हथियार प्रणाली है। वे बादलों में दुबके हुए हैं, देख रहे हैं और निर्दयता से शिकार कर रहे हैं। सिर्फ 20 शिकारी शार्क है मॉडल RFH3 की। हम और अधिक नहीं बना सके। 20 शार्क तमाम शहर को नष्ट करने के लिए काफी हैं। नंबर को राइश की राजधानी पर हुए भीषण हमले के बाद मैंने वर्लिन में घोषणा की है कि समय आ गया है, अंग्रेजों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का समय आ गया है। अगले दिन ब्रिटिश प्रेस ने मुझे कड़ी टक्कर दी इस मजाकिया सवाल के साथ कि क्या मैंने जिस नए हथियार की घोषणा की है वो हथियार आयुक्त मंत्रालय के बजाय प्रचार मंत्रालय में बनाया गया था। जाओ, उसे सुरक्षित करो। तुम लोग स्थिति को नहीं समझते हो क्या? ये तुम क्या कर रहे हो? ये भगवान रूसी जल्दी यहां होंगे, हमें लड़ना है। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम K7B लेंगे और फिर हमारा अगला अंतिम पड़ाव अर्जेंटीना के लिए होगा। ये देश द्रोह है। चारों ओर देखो क्लॉज, ये अतीत है। हिमल्स फास्ट समाप्त हो गया है, प्रयोग विफल हो चुका है। हम भागने वाले नहीं है, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। क्लॉज, मैं भागने के लिए सहमत नहीं हूं, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा।
जर्मन पितृभूमि के लिए। आप युद्ध के बाद पश्चिम में आ गए और यहाँ सेना के लिए काम किया, वो कैसे संभव है? इसके लिए मैं पेपर क्लिप का कर्जदार हूँ। पेपर क्लिप? आप पेपर क्लिप लड़कों में से एक थे। पेपर क्लिप क्या है? प्रोजेक्ट पेपर क्लिप ऑपरेशन ओवरकास्ट से उत्पन्न हुआ था। उन्होंने जर्मन सेना के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों को हासिल करने की कोशिश की। राइट संस्थान हमारे सहयोगी के पीछे थे। जेट ऑपरेशन और रॉकेट इंजीनियरिंग, अदृश्य होने की तकनीक, हमने खुद को दुनिया के सबसे बड़े खिलौने की दुकान में पाया। और किसी भी परिस्थिति में हमारी सेना इसे रूसियों के साथ साझा करना नहीं चाहती थी, इसलिए हमने विशिष्ट नाजी वैज्ञानिकों का साथ लिया और उन्हें अपना पेपर बॉय बना लिया। रातों रात वर्नर वॉन ब्राउन अमेरिका का सबसे महान रॉकेट वैज्ञानिक बन गया, उसके अतीत के बारे में बिना किसी से पूछे। मैंने उन्हें सब बताया जो मैं जानता था। उन्हें पहले तो विश्वास नहीं हुआ, हिमल्सफास प्रोजेक्ट की संभावना। मैंने उनसे कहा कि मैं उन्हें कैमलर के पास ले जाऊंगा, उन्हें सारे सबूत मिल जाएंगे जो उन्हें चाहिए। मेरे पास कैमलर के पागलपन का विशेष ब्रांड काफी था, वो हम सबको अपने साथ नीचे घसीटने वाला था। मैंने एक मजबूत जर्मनी बनाने के लिए साइन अप किया था, इसे नष्ट करने के लिए नहीं। मैं वास्तव में सब कुछ शुरू करना चाहता हूं, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। हमें एक कारण बताएं कि हमें भरोसा क्यों करना चाहिए। क्योंकि केवल मैं ही दुनिया को बचा सकता हूं, लेकिन हम में से 1000 से ज्यादा लोग अमेरिका आ गए। और आपने बस पश्च बदल लिए, बस यही ना? All is fair in love and war। और फिर आप रुक गए, एक परिवार शुरू किया और एक अच्छे इंसान की भूमिका निभाई। हम आप पर फिर कैसे भरोसा करें? इतनी वर्षों तक आप मुझसे सिर्फ झूठ बोलते रहे हैं। हेलो, मैं हूं नताली रोशफोर्ट एमटीवी न्यूज से। हमारे पास पूरे यूरोप में कई आतंकवादी हमले होने की सूचना है। ऐसा लगता है कि लंदन हमलों के निशाने पर है। कई स्काई शार्क, हे भगवान, वो लोगों को चीर फाड़ रहे हैं। अभी अभी यहाँ पर बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है, इसमें लाखों लोगों की जान गई है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे किसी ने हमला किया है। लब से मैं हूँ क्लारा, सीधे आपके लिए रेस्टेक से। ये क्या है? क्या तुमने उसे कवर किया मैटजे? उन्हें विश्वास ही नहीं होगा। मैटजे, क्या तुमको वो नजर आया? वो रहा वहां। ये क्या किया आपने? हमारे पास और कितना वक्त है? ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता। हम एनएसए युद्ध परिषद की बैठक बुलाएंगे। जवाबी हमला करने का समय आ गया। सुरक्षा स्तर 7, अधिकार प्रदान किया गया।
एंजेलिका, मुझे जर्मन खुफिया प्रमुख तक पहुंचने के लिए तुम्हारी जरूरत है, और देखो कि क्या तुम हमारे फ्रांसीसी मित्र कॉल्बर्ट तक पहुंच सकती हो, और हमें जरूरत है जापानी शार्क विशेषज्ञ डॉक्टर कात्सुबे की, लेकिन हम उस अजीब CIA एजेंट मार्टिन क्ले के बिना कुछ नहीं कर सकते। वो वेंजुला में हो सकता है जैसा कि मुझे पता है, लेकिन वो हमें चाहिए, और लंदन से वो कमबख्त अभिमानी कमीना, हाँ उसका जो भी नाम है, और मेरा दोस्त फ्रास्ट। क्षमा करें मुझे थोड़ी देर हो गई है दोस्तों, प्लीज। हेलो क्लास, हालात कैसे हैं? बुरे नहीं मित्र, इतने खराब भी नहीं है। मार्जरी कैसी है? ओह, वो ठीक है, वो अभी भी सबसे खराब कॉर्नब्रेड बनाती है। मेरे शोध ने संकेत दिया है कि इमल फास परियोजना नष्ट हो गई थी, कार्यक्रम निष्प्रभावी, पर मैं गलत था। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि जिसे मैंने 70 साल पहले बनाने में मदद की थी वो निष्क्रिय हो गया है, हमला करने के अवसर की प्रतीक्षा में। फटे हुए दूध के लिए रोने का कोई फायदा नहीं है डॉक्टर रिक्टर। अब अगर तुम 400 एयरलाइंस यात्रियों के गोश्त की तरह काटे जाने को फटा हुआ दूध समझो तो ये तुम्हारी समझ है। वास्तविकता ये है कि हमें इन घृणित वस्तुओं को नष्ट करना होगा, नहीं तो हवा में कोई विमान सुरक्षित नहीं है। जेंटलमैन, डॉक्टर रिक्टर, ये शार्क है, लेकिन आप कहते हैं कि ये उड़ सकती हैं। हाँ, वे आर्कटिक की बर्फ में जम गई है। देखिए, ये एक स्पष्ट और वर्तमान खतरा है सीनेटर। हमारे पास एक विशिष्ट कमांडो है फ्रांसीसी वायुसेना में, हम उन्हें उपलब्ध कराएंगे, मैं इसकी व्यवस्था करूँगा। हाँ ओ मेरे दोस्त, अमरीकी वायुसेना में भी हमारे पास एक या दो अच्छे पायलट हैं। आपके टॉप गन हमारे फ्रांसीसी दोस्त बेहतर उड़ान भर सकते हैं। सच में? तुम मत भूलना, अगर आप कभी पेशाब करने की प्रतियोगिता में शामिल होना चाहते हैं किसी भी समय कोलवर्ट, मैं अपने वाहकों के कुछ जोड़े सीन नदी के नीचे भेज सकता हूँ, और हवा से तुम्हारा स्कर्ट उड़ाने के लिए मेरी फ्रेंच फ्राई। लेकिन अगर स्काई शार्क प्रजनन कार्यक्रम को फिर से स्थापित कर सकते हैं तो कोई नहीं जानता कि वो कितने सामने आ सकते हैं। इनमें से और क्या चीजें हैं पाइपलाइन में? क्या उनके पास प्रजनन के कार्यक्रम है? तो इनमें से कितनी चीजें हैं? स्क्वाड्रन है, एक झुंड, क्या ये होना ही है? इसी तरह परियोजना की कल्पना की गई थी, दुनिया पर कब्जा। जरूर डॉक्टर रिक्टर, ये सोचकर बहुत अच्छा काम किया। टिक टिक करते टाइम बम की बातें करें, ये कमबख्त एक नाजी रियूनियन टूर जैसा है। आपने मैं 1945 में याद किया, हम वापस आ गए। मेरा विश्वास करो, मुझसे ज्यादा इस पर किसी को पछतावा नहीं है। अगर वे परिवर्तित होते हैं, जिसकी अधिक संभावना है, तो उन्हें आम शाक की तरह शिकार करना आसान नहीं होगा। डॉक्टर कत्सुबे ने डेटा का अध्ययन किया है, वो सोचती हैं कि कोई समाधान हो सकता है। क्या उन्हें अन्य शार्क की तुलना में शिकार करना कठिन है? हाँ, शुरुआती आंकड़ों से ऐसा लगता है कि स्काई शार्क विकसित हो गई है, आनुवांशिक छलावरण का एक रूप। हाँ, शुरुआती आंकड़ों से ऐसा लगता है कि स्काई शार्क विकसित हो गई है, आनुवांशिक छलावरण का एक रूप है। क्या उन्होंने कहा कि आप लक्ष्य को नहीं देख सकते? कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितनी मिसाइलें हैं। उनका क्लोकिंग डिफेंस इसे मुश्किल बना देता है। बिल्कुल, अधिक शोध की जरूरत है। मुझे लगता है कि हम एक उप समिति नियुक्त करते हैं इस जानकारी पर रिपोर्ट करने के लिए। स्काई शार्क की त्वचा में प्राकृतिक सोनार संवेदनशील ग्रंथियों को उल्टा करके वे रडार को भ्रमित करने में सक्षम है। स्काई शार्क की त्वचा में प्राकृतिक सोनार संवेदनशील ग्रंथियों को उल्टा करके रडार को भ्रमित करने में पूरी तरह सक्षम है। इसका मतलब यह है कि स्काई शार्क के सोनार आवेगों को विपरीत सोनार संकेत से परेशान किया जा सकता है, ये उनके अदृश्य लिबास को निष्प्रभावी बना देगा। क्या हमारे पास ऐसा करने के लिए उपकरण है? अगर हम एक सैन्य परिवहन को एक उपकरण के साथ प्राप्त कर सकते हैं जो सोनार प्लस उगलता है, तो हाँ हमारे पास मौका है। इस काम में लंदन को अच्छी भूमिका निभानी चाहिए। सैन्य हस्तक्षेप सस्ता काम नहीं है, हमें संघीय बजट पर विचार करना होगा। बातचीत और बकवास करने का समय समाप्त हो चुका है, हमें इसे मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति और कांग्रेस से मिलना होगा। हमें सभी नागरिक यातायात को आसमान से हटाना है, हमें नो फ्लाई जोन बनाना होगा। आसमानी मार्शल लॉ सुरक्षित रहने का एकमात्र तरीका सुनिश्चित करे कि उसे लागू किया गया है। डॉक्टर रिक्टर, समाधान जारी रखें। सीनेटर, रिक्टर की टीम तैयार है, हमें तेजी से हमला करना होगा। आपके पास आपके आदेश है, काम शुरू करें। हमारे सोनार के साथ शैतान को गोली मारो और फिर हमारे लड़ाकू विमान उन्हें उड़ा सकते हैं।
मैं उन्हें जमीन पर गिरते हुए देखना चाहता हूँ। वो क्या कह रहा है भाड़ में जाए राष्ट्रपति और कांग्रेस, हम बस ये करते। मुझे लोकतंत्र में रहना पसंद है। हेलो, मैं हूँ न्यूयॉर्क से हेराल्ड एवर्टन, शहर के समाचार एक विशेष रिपोर्ट के साथ। अभी मैं न्यूयॉर्क के वित्तीय केंद्र के सामने खड़ा हूँ। विश्वव्यापी नो फ्लाई जोन एक आपदा है। हमारी अर्थव्यवस्था वित्तीय पतन में है और आज भी वॉल स्ट्रीट नहीं खुला है। क्या ये एक और फ्राइडे 13 है? क्या सरकार सच में हमें देश में रख सकती है? ये सवाल उठता है। देश भर में सभी उड़ानें रद्द हो गई हैं और कोई भी अमेरिका से नहीं जा रहा है। ये क्या हो रहा है? क्यों सबको रोका हुआ है? ये कब तक जारी रहेगा और क्या हम मार्शल लॉ के अधीन हैं? राष्ट्रपति को जरूरत है हमें जवाब देने की। प्लीज ईश्वर, हमारे इस महान देश को बचाइए। मैं हूँ न्यूयॉर्क शहर से हेराल्ड एवर्टन। चलते हैं वापस स्टूडियो में। प्लीज ईश्वर के लिए इस घटिया गेंद से खेलना बंद करो। उड़ने वाली शार्क कहां से आती है? उन पर सवार होने वाला आदमी कौन है? ये अभी तक पता नहीं चल पाया। एफिल टावर भी चला गया है। मैं बस यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। 5 दिनों से मैं भी यहाँ परेशान हो रहा हूँ, ये देखते हुए कि कैसे यूरोप बदसूरती में बदलता जा रहा है। नो फ्लाई जोन को हटाना होगा, फिर तालाब के उस पार राज्यों में वापस स्वागत होगा। क्या होगा अगर वे हम पर हमला करते हैं तो? पेरिस और न्यूयॉर्क के बीच मैं सबसे अच्छा एयर मार्शल हूँ। कोई उड़ने वाली मछली मेरे और मेरे यात्रियों के बीच आ ही नहीं सकती। कभी सोचा नहीं था मैं जहाज में शार्क का शिकार करने जाऊंगी। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम बीमार हो या कुछ और? मैं तुम्हें एक शॉट दे सकती हूँ। नहीं नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी। ये सिर्फ कुछ फ्लू जैसा लग रहा है। अगर तुम कहती हो तो ठीक है, चलो चलते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें फिर से देखूंगा, जिस गड़बड़ में तुम मुझे छोड़ के गई थी। ओ हाँ, तुम जरूर अंजलिक हो। अरे अरे, क्या हुआ? वो देखो। क्या? हमारी उड़ान तैयार है। कहाँ? वहाँ। तुम सही बोल रही हो। वो देखो। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है।
जब ऊर्जा एक हथियार बन जाती है, जब अंतिम शेष तेल भंडार कट्टरपंथियों के हाथों में चले जाते हैं, अगर हमारी आजादी के विचार को खतरा है तो हमें कार्रवाई करनी चाहिए। युद्ध और आतंकवाद फिर कभी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अपनी चुनौती निर्धारित करना, डेड फ्लैश फोर्स से लड़ना, आजकल जो कोई भी विदेशों पर कब्जा करता है अब शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। आज के युद्ध के मैदान में किसी को मरना नहीं है। आपका अवतार प्रशिक्षित होने की आपकी इच्छा और हमारा ज्ञान सुनिश्चित करता है आपके परिवार की सुरक्षा। डेड फ्लैश फोर्स न्याय के लिए हमारी तलवार, हम अच्छाई और बुराई के बीच खड़े हैं। जहां न्याय कानून बन जाता है, प्रतिरोध एक कर्तव्य बन जाता है। हम है रिक्टर टेक्नोलॉजी, हमारा भविष्य है आज। ठीक है, ये अजीब है। मुझे पता चला है कि सभी अमेरिकियों को बाहर जाने की अनुमति है, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ कुछ लोगों को ही देख रहा हूँ। मैं लापरवाह नहीं हो सकती। महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं बाहर जा रही हूँ। लाइट, उस नाजी चरित्र पर हमला शुरू करो। मुझे नहीं पता तुम क्यों परेशान हो, तुम इस गंदगी के बिना भी काफी सुंदर दिखती हो। ये हमारे काम का हिस्सा है, तुम सीख जाओगी। जरा सुनिए मोहतरमा। यस। क्या आप अपने उस पायलट को कह सकते हैं कि इस प्लेन को थोड़ा और तेज चलाएं? मुझे कहीं पर जल्दी पहुंचना है। क्या हम सभी को नहीं, क्या आप जानते हैं कि मैं फ्लाइट के कैप्टन से नहीं पूछ सकती अगर हम कुछ टेढ़े यात्रियों को इकोनॉमी क्लास में फेंक सकते हैं? मैंने कुछ मोटे देखे, लेकिन शायद हमें बच्चों को बख्श देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ओके। ये कैसा गेम है, मुझे दिखाओ। ये दुनिया का सबसे अच्छा गेम है। क्या हीरोइन को कम से कम अगले लेवल तक पहुंचने पर कपड़े मिल जाएंगे? ओके। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपका कप्तान बोल रहा हूँ। एक छोटा सा स्टेटस अपडेट है, हमने अभी फेरो आइसलैंड को पार किया है और हम यूएस वायु निगरानी के लिए प्रतिबद्ध होंगे लगभग एक घंटे में। अगले 3.5 घंटे में हम JFK के हवाई अड्डे पर उतरेंगे, तो अपनी उड़ान का आनंद लें। तुमने क्या उम्मीद की थी? उन्होंने अभी यूरोप का दौरा किया है, उन्हें वापसी के लिए खुश होना चाहिए। इस बारे में तुम सही हो। क्या तुम ठीक हो? मुझे सिर दर्द है।
दोस्तों, विमान के बाहर कुछ गड़बड़ है। क्या? तभी शांत हो जाओ। मैं अभी वापस आती हूँ। लानत है। एक से अधिक रीडिंग। लक्ष्य के करीब। पल्स डिवाइस तैयार करें। पल्स डिवाइस के लिए तैयार हो जाइए। मैं शूटिंग के लिए तैयार हूँ। लड़को तैयार हो जाओ। हाँ। जाओ हमला करो। फायर प्लस। हमने कर दिया। वो अपना बचाव करने के लिए परिवर्तित हो जाते हैं। शिट। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पिता को शक था कि ऐसा कुछ होगा, उन्होंने मुझे ये बताया था। अगर मामला बिगड़ता है तो ये एंटीडॉट है जो तुम्हारी बहन को बड़ी मुसीबत में पड़ने से बचाएगा। अगर वो बदल जाती है तो उसे ये वाला शॉट दे देना। ओके। Thank you.
हाय डैडी, हम यहाँ बहुत बुरी सिचुएशन में हैं। तुम्हें पता है कि आज रात यहाँ जो होने वाला है वैसा मेरा इरादा कभी नहीं था। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। ये और खराब हो सकता है। हम मासूम लोगों का इस्तेमाल करते हैं जिंदा चारे के रूप में। मैं कसम खाता हूँ मैं इस सब से रिटायर हो जाऊंगा, बस एक बार ही खत्म हो जाए। देखते हैं। डियाबला कैसी है? वो दावा करती है उसे फ्लू है, लेकिन असलियत हम दोनों जानते हैं। सुनो, एक बात है जो तुम्हें समझनी है। सब कुछ हर चीज से जुड़ा हुआ है। वे डियाबला की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं और वो उसे पाना चाहते हैं। क्या पागल हो गए हैं? क्या हम आपके लिए सिर्फ गिन्नी पिग हैं? नहीं 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 नहीं, चिंता मत करो, वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वे उसे अपनों में से एक रूप में देखते हैं, लेकिन बस उसकी देखभाल करना। करोगी? कैसी वजह से मैं यहाँ अकेली? नहीं, तुम अकेली नहीं हो, लेकिन मैं युद्ध के लिए बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं यहाँ से ज्यादा तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अमरीकी नौसेना के गश्ती दल को 30 मिनट पहले ही शॉट भेजना चाहिए था। पल्स ने काम नहीं किया। स्काई शार्क ज्यादा मजबूत है। वे अपना बचाव करने के लिए परिवर्तित हो जाते हैं। मेरा मानना है कि हिमलफास्ट और स्काई शॉक यहाँ न्यूयॉर्क के रास्ते में हो सकते हैं। वे पूर्वी समुद्र तट पर क्या चाहते हैं? मेरी एक बेटी है जो कोलंबिया कॉलेज जाती है। वे जमीन पर क्यों आ रहे हैं? मुझे लगता है कि वे अपने बनाने वाले को मारना चाहते हैं। सिर्फ मैं ही अकेला हूं जो एंटीडोट बना सकता है और प्रोग्रामिंग को उल्टा कर सकता है। वे जानना चाहते हैं कि क्या मैं उन्हें बेअसर करने में काम कर रहा हूं। हे भगवान, वे न्यूयॉर्क को बर्बाद कर देंगे। यही कारण है दोस्तों, यही कारण है लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा एकमात्र विकल्प है जिनको बोतल से बाहर निकलने दिया जाए। प्रोजेक्ट डेड फ्लैश। ये सब तब शुरू हुआ जब यूएस कोरिया और वियतनाम में हार गया। मैं जर्मनी से 46 में आया था प्रोजेक्ट पेपरक्लिप की सहायता से, लेकिन कुछ सालों के लिए मैं सिर्फ एक साइडकिक था यूएस जनरल के लिए। लेकिन मार्च 68 में माइले के नरसंहार के बाद मैं सबकी नजरों में आ गया। ये तब की बात है जब प्रोजेक्ट डेड फ्लैश का जन्म हुआ। अचानक ही मुझे सारी फंडिंग मिल गई और सभी समर्थन जो मैंने मांगे थे, और मुझसे कोई सवाल नहीं पूछे गए। मैंने और मेरी टीम ने लैब को फोर्ट हैमरहेड स्थानांतरित कर दिया गैंगनैंग बॉर्डर पर। प्रोजेक्ट डेड फ्लैश आदर्श सैनिक बनाने के बारे में था, प्रतिरोधी, अविनाशी और जिन्हें रोका ना जा सके। हमने उन्हें डेमियन नाम दिया। मेरी टीम ने न्यूरो सर्विस को प्रत्यारोपित किया मरे हुए सैनिक के दिमाग में, उन्हें नियंत्रित करने में सक्षम होने के लिए। एक मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क में भेजने के लिए यह बीटा श्रेणी में माइक्रोवेव के साथ आवेगों को अनुमति देता है। मैं अपने सुपर सैनिकों पर पूरा नियंत्रण चाहता था। मेरी तकनीक ने प्रयोगशाला में हमेशा काम किया है, लेकिन अब हमारे पास एक मौका था क्षेत्र में इसका परीक्षण करने के लिए। हमें कैद की गई चार्ली यूनिट को गिनी पिक के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। मेरी विशेष यूनिट ने उन्हें K7B से संक्रमित किया और मेरी टीम और मैंने उन लाशों को वियतकांग के खून के प्यासे जॉम्बी बना दिया जिन्हें कैंप हैम्ब्रेड पर हमला करना था। हम जानते थे कि US यूनिट चार्ली की लाशों की फौज से हार जाएगा, लेकिन तुरुप का इक्का हमारे पास था। हम अपने सुपर सैनिक डेमियन वहां ले गए।
एक ग्रीन बॉस सैनिक जो प्रशिक्षित था दुश्मन की सीमा रेखाओं पर कारनामों के लिए, दूसरे जिसे नर्क कहते हैं वो उसे अपना घर कहता था। वो 67 से 69 के बीच सक्रिय सेवा कर रहा था जब एक गोली ने उसे युद्ध के मैदान में मार दिया। उसके शरीर ने K7B पर अप्रत्याशित तरीके से प्रतिक्रिया दी। कैंप हैम्ब्रेड के जामा सैनिक अभी अभी एक नियमित मिशन से वापस आए थे और नहीं जानते थे कि उनके साथ क्या होने वाला है। उन्हें उम्मीद थी कि एक शांत रात की और कुछ ड्रिंक्स के बाद आराम करने की। डेमियन स्लीप मोड में था। हमने उसके दिमाग को जोड़ा मेरे सहायक डॉक्टर ग्रीन के साथ, उसके विचार और गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए। हमने डेमियन को जगाया और उसे उसके मिशन के लिए तैयार किया। सब कुछ बिल्कुल योजना के अनुसार था। गेट खोल दिया जाए। वेदकांग के ज़ोंबियों ने कैंप हैम्ब्रेड पर हमला कर दिया। उन्होंने तबाही मचा दी और डॉक्टर ग्रीन ने वायर कनेक्शन के माध्यम से डेमियन को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। सब कुछ ठीक योजना के अनुसार सामने आया। ये एक पूर्ण सफलता थी। डेमियन को रोकना मुश्किल था, लेकिन एक कमजोरी थी। डॉक्टर ग्रीन दुर्भाग्य से गुप्त इंटरल लाइन में डॉक्टर ग्रीन के रक्त संचार में ट्रांसमिशन को बाधित कर दिया। पहले उसे ऐठन हुई और फिर वो बदल गया। डेमियन ने रिसीवर को अपने सर से निकाल दिया और भयंकर खून खराबा शुरू कर दिया। हमने नियंत्रण खो दिया। वो दोस्त या दुश्मन के बीच अंतर करने में असमर्थ था। प्रयोग विफल रहा। मैं वहीं खड़ा था, केवल देख सकता था और तब तक प्रतीक्षा कर सकता था जब तक धुआं छट नहीं जाता, जब तक K7B डेमियन के अंदर टूट नहीं गया। इसे एक आपदा मानते हुए फिर भी उसमें से कुछ अद्भुत निकला। मुझे आखिरकार सिस्टम में गलती मिल गई थी। आप एक मरे हुए व्यक्ति की इच्छा को नहीं खत्म कर सकते। सभी मांसपेशियों, हड्डियों और रक्त के बीच कहीं प्रत्येक जीव की अपनी अनूठी ऊर्जा होती है, लेकिन अब आधुनिक नैनो तकनीक की मदद से मैं किसी भी व्यक्ति की इच्छा शक्ति को बदल सकता हूं। यही समाधान है। युद्ध की स्थिति क्या है? मैं K7B हूं।
शिट। जाओ उन्हें घेर लो, जाओ उन्हें नर्क पहुंचा दो। पहला कदम, सब लोगों का अच्छा काम। मैं यही देखना चाहता हूँ, जैसे बारिश हो रही है, कमबख्त मछलियों को भून डालो उनको। उसने मुझे गोली मार दी। बच्चों जैसी बातें न करें सर, अब हम सुरक्षित हैं सर। खतरा टल गया, सारे ज़ॉम्बी मारे गए, अब आप सुरक्षित हैं। विमान फिर से नियंत्रण में है, मैं आपके सुखद उड़ान की कामना करती हूँ। सुरक्षा साइन अधिक आवश्यक है, अधिकार प्रदान किया गया। शैंपेन या जापानी वाइन या थोड़ी मसालेदार टूना? क्या? हम सी फूड पिज्जा ऑर्डर करेंगे और 2 घंटे में आपके पास होंगे। तुम दोनों को जो पसंद है ले लो। क्या आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, बस यहाँ आ जाओ। क्या आप अपने रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं डैड? बाद में।
उनके साथ क्या गड़बड़ है? शायद वो बूढ़े हो रहे हैं। नई जर्मनी के मेरे योद्धाओं, दुनिया खत्म हो जाएगी। सब कुछ एक नई शुरुआत के लिए तैयार है। दुनिया कांप उठेगी चौथे राइज के बैनर तले।
Ich will dir bestimmt nicht über die Stränge schlagen. Doch was meinst du von dem alle deutschen Hip-Hops das Bang haben? Fast für die Antwort, gut, mein Junge, setzen ein. Haben genug mit dem Inches, vom Feind noch zu schätzen kannst. Hier, wir sind Schlepptau und auch nicht selbst von mir sonnig an. Ruf mal unseren Bock an, wir kommen auch in deine Stadt. Ich